प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनपद की बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए लखनऊ से 215 करोड़ 77 लाख रुपए की योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 19 करोड़ 77 लाख की लागत से 6 कार्यों का लोकार्पण तथा 94 करोड़ 75 लाख रुपए की कुल 7 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अतिरिक्त 108 करोड़ 52 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं को प्रस्तावित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के जनप्रतिनिधियों, सांसद व विधायक से संवाद किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनपद को दीपावली से पूर्व दिए गए इस सौगात के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दिया। इस दौरान शहर में 15 जगहों मोहल्लों में लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महानगर व जनपद के अंतर्गत विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे बिजली व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा तथा लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी और सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2.25 लाख गांव और मजरों का सफलतापूर्वक विद्युतीकरण संपन्न किया गया तथा 1.24 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के घरों में बिजली पहुंची है। विद्युत की निर्बाध आपूर्ति प्रदेश को प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि ढीले तारों एवं जर्जर पोलों को बदलने का कार्य किया जा रहा है, जिससे बांस बल्ली एवं जर्जर तारों की समस्या से अस्थायी छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेश के अंदर कार्य बंद नहीं था और कोरोना काल में भी अनवरत विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। सभी कार्य समयबद्ध ढंग से एवं गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण किए जाएंगे। विकास के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 3.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई है। निवेश हर क्षेत्र में दिख रहा है, जिससे रोजगार एवं विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में 7 एयरपोर्ट क्रियाशील है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रदेश में बन रहा है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जनपद मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। आम जन को परेशानी ना हो तथा विकास का पहिया थमने ना पाए, इसके लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं ताकि कार्य प्रारंभ हो सके। इस अवसर पर जनपद से महापौर सीताराम जायसवाल, सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, संत प्रसाद, शीतल पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, इंजीनियर पी के मल सहित अन्य जनप्रतिनिधि जुड़े रहे। गोरखपुर में हर हिस्सा शहर का, हर हिस्सा जनपद का चमचमाए, विकास हो उसका, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रुचि ले रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ गोरखपुर 15 जगह से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो सज्जन आज जुड़े हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री रवि किशन शुक्ला जी माननीय सांसद, जयप्रकाश निषाद जी माननीय सांसद राज्यसभा, श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर गोरखपुर, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक, श्री शीतल पांडे जी माननीय विधायक, श्री संत प्रसाद जी माननीय विधायक, श्री युधिष्ठर सिंह जी जिलाध्यक्ष, श्री राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष, विश्व जिताशु सिंह जी अंशु, इंजीनियर पी के मल जी, राम भुवाल कुशवाहा जी, रणविजय सिंह जुगनू जी, धर्मेंद्र देव चौहान जी, पवन त्रिपाठी जी, दयानंद शर्मा जी, आशीष गुप्ता जी, रामपाल सिंह जी, प्रेमपाल गुप्ता जी, अमितेश्वर पांडे जी, मंतालाल यादव जी, राधेश्याम रावत जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, होसीलाल सिंह जी, ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, मनोहर ये 15 जगह से हमारे साथ सभी ये सज्जन महानुभाव जुड़े हुए हैं। और आज के कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग द्वारा गोरखपुर में ऊर्जा के वितरण की जो नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, नए कार्यक्रम किए गए हैं, उन्होंने कुछ योजनाओं का लोकार्पण है, कुछ का शिलान्यास है। अभी विस्तार से ऊर्जा विभाग द्वारा वीडियो फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक योजना का विवरण भी दर्शाया गया है। आपके निर्देशन में, मार्गदर्शन में
विद्युत व्यवस्था सुधारने का ये बड़ा बीड़ा उठाया गया है, जिसको जिसमें से आधी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय आपके कर कमलों से कराया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अपना स्वागत उद्बोधन करने के लिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर से सांसद श्री रवि किशन जी, हमारे मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल जी, माननीय विधायक श्री शीतल पांडे जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री सीताराम जायसवाल जी, विदुष्वर जी, राकेश गुप्ता जी, ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारी एवं सभी इंजीनियर, यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी एवं हमारे सभी सहयोगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में सबको बिजली, निर्बाध बिजली का लक्ष्य आपने तय किया है और ऊर्जा विभाग इस लक्ष्य के ये लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले केवल लोगों के घरों में बिल आते थे, बिजली नहीं आती थी। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उजाला है, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक पूरे प्रदेश में उजाला रहता है, हर गांव में रोशनी रहती है। आपके नेतृत्व में ऊर्जा विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है। एक समय था जब प्रदेश में किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिलते थे, गांव के लोग ट्रांसफार्मर के लिए प्रयासरत रहते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपके दिशा निर्देश में आज गांव में और किसान को ट्यूबवेल 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1,40,00,000 घरों में रोशनी पहुंचाने का काम ऊर्जा विभाग ने आपके नेतृत्व में किया है। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली का लक्ष्य ऊर्जा विभाग पूरा कर रहा है और आने वाले समय में कहीं कोई किसी भी घर में अंधेरा ना रहे, ये आपके आशीर्वाद से हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आज गोरखपुर के अंदर बिजली की कोई खामी ना रहे, उसके लिए आज आपके कर कमलों से 215.77 करोड़ की लोकार्पण और शिला पूजन के कार्यक्रम आज आपके नेतृत्व में आपके कर कमलों के माध्यम से ऊर्जा विभाग कर रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो आपने लक्ष्य ऊर्जा विभाग को दिया था 24 घंटे जिला मुख्यालय को, 20 घंटे तहसील को और 18 घंटे गांव को बिजली सुनिश्चित करने का, वो आपके नेतृत्व में ऊर्जा विभाग उस लक्ष्य को पूरा कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आने वाले समय में निर्बाध और सस्ती बिजली के लक्ष्य को हम, जो आपकी मंशा है उसके अनुसार अभी ऊर्जा विभाग ने और कार्ययोजना तैयार की है, उस पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को बटन दबाकर करने का कार्य करें। आइए श्रीकांत जी। शिलान्यास एवं घोषणाएं की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को एक बड़ा औद्योगिक हब बनाने के लिए निवेशकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिनमें विद्युत की उपलब्धता एक प्रमुख अवयव है, जिससे प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके, साथ ही अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाएं भी बन सके। चूंकि विद्युत की उपलब्धता विकास के लिए आवश्यक है,
अतः ऊर्जा विभाग के अथक प्रयासों से प्रदेश में विद्युत की सुचारू रूप से उपलब्धता के लिए मार्च 2020 तक लगभग 3 करोड़ विद्युत संयोजन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। प्रदेश में निर्बाध एवं सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नए उपकेंद्रों की स्थापना एवं कार्यशील उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि करने के साथ साथ पुराने पारेषण वितरण तंत्र को उच्चीकृत किया जा रहा है, जिससे 24 घंटे और 7 दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य की पूर्ति हो सके। इसी क्रम में गोरखपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹216 करोड़ की लागत से पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं विकसित की हैं, जिन पर विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गोरखपुर महानगर में विद्युत प्रणाली के शुद्धिकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ₹19.78 करोड़ की लागत से निर्मित वितरण स्कंद एवं पारेषण स्कंद की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। वितरण क्षेत्र के कार्य 33/11 kV उपकेंद्र पागली बाजार की क्षमता वृद्धि का कार्य 33/11 kV उपकेंद्र रानीबाग की क्षमता वृद्धि का कार्य बिछिया क्षेत्र में तार एवं केबल बदलने का कार्य बिछिया क्षेत्र में परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य महादेवा झारखंडी में परिवर्तक की स्थापना का कार्य महादेवा झारखंडी में क्षेत्र में तार एवं केबल बदलने का कार्य महादेवा झारखंडी में परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य शिवपुर सहबाजगंज में तार एवं केबल बदलने का कार्य सिमरा क्षेत्र में तार एवं केबल बदलने का कार्य हरिसेवक ग्रामीण क्षेत्र में तार एवं केबल बदलने का कार्य हरिसेवक ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य झरना टोला में तार एवं केबल को बदलने का कार्य झरना टोला में परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य जंगल तुलसीराम क्षेत्र में जर्जर तार एवं केबल को बदलने का कार्य चकसा हुसैन में तार एवं केबल को बदलने का कार्य खोलाबाद में 33/11 kV उपस्थान की क्षमता वृद्धि 2x10 MVA से 2x10+1x5 MVA किए जाने का कार्य पारेषण क्षेत्र के कार्य 220 kV उपकेंद्र बरंगुआ गोरखपुर में क्षमता वृद्धि का कार्य 220/132/33 kV उपकेंद्र बरंगुआ गोरखपुर की क्षमता वृद्धि 2x160+2x100 MVA से 2x160+1x100+200 MVA का लोकार्पण इस उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि से जनपद गोरखपुर महाराजगंज के शहरी तथा ग्रामीण प्राइमरी उपकेंद्रों को सतत विद्युत आपूर्ति दी जा सके। गोरखपुर महानगर में विद्युत प्रणाली के शुद्धिकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 87.47 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली वितरण स्कंद एवं पारेषण स्कंद की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। वितरण क्षेत्र के कार्य बिछिया क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य बिछिया क्षेत्र में परिवर्तक की स्थापना का कार्य महादेवा झारखंडी क्षेत्र में पोल व तार का कार्य शिवपुरी सहबाजगंज में पोल एवं तार बदलने का कार्य शिवपुरी सहबाजगंज में परिवर्तक की स्थापना जंगल सालिग्राम में पोल व तार लगाए जाने का कार्य जंगल सालिग्राम में परिवर्तक का कार्य सिमरा क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य सेवड़ा में नए परिवर्तक का कार्य हरिसेवक ग्रामीण क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य
झरना टोला क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, जंगल तुलसीराम क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, चकसा उसे क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, रानीबाग क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, महादेवा झारखंडी के दिव्यनगर क्षेत्र में उप संस्थान व लाइन का कार्य, बिछिया क्षेत्र उप संस्थान व लाइन का कार्य, पारेषण क्षेत्र के कार्य 132/33 के भी 2x40 MVA, उपकेंद्र खजनी का शिलान्यास, उपकेंद्र के निर्माण के फलस्वरूप तहसील खजनी क्षेत्र एवं तहसील बासगांव के आंशिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। साथ ही गोरखपुर रिंग एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक विकास में कारगर सिद्ध होगा। इस उपकेंद्र के निर्माण से 220 केवी विद्युत उपकेंद्र बरौआ एवं 132 केवी विद्युत उपकेंद्र गीडा तथा 132 केवी विद्युत उपकेंद्र कौड़ीराम की अतिभारिता दूर होगी। 132/33 केवी 2x40 MVA उपकेंद्र मोहंतीपुर प्रथम की क्षमता वृद्धि 2x40 MVA से 1x40+1x63 MVA का शिलान्यास, उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि से गोरखपुर के शहरी क्षेत्र मोहंतीपुर विश्वविद्यालय तारामंडल इंजीनियरिंग कॉलेज खोराबार एक्स गोरखपुर के सभी व्यवसायिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी तथा इससे लगभग 1,00,000 की आबादी लाभान्वित होगी। 220/132 के भी उपकेंद्र मोतीराम अड्डा गोरखपुर पर स्टेशन परिवर्तन 20 MVA का शिलान्यास, उपकेंद्र पर अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने से उपकेंद्र के उपकरणों का अनुरक्षण एवं परिचालन सुगमता से किया जा सकेगा। गोरखपुर महानगर में विद्युत प्रणाली के शुद्धिकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ₹108.52 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली वितरण स्कंध एवं बारिशन स्कंध की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणाएं की जा रही है। वितरण क्षेत्र के कार्य, विभिन्न स्थानों पर 60 किलोमीटर लंबी जर्जर एवं क्षतिग्रस्त तारों को हटाकर LT केबल डालने का कार्य, विभिन्न स्थानों पर 100 किलोमीटर लंबी जर्जर तारों को हटाकर डाक तार लगाने का कार्य, क्षतिग्रस्त 1,000 9/11 मीटर स्टील पोल के स्थान पर नए स्टील पोलों को लगाए जाने का कार्य, पारेषण क्षेत्र के कार्य, 220/33 केवी GIS उपकेंद्र खोराबाग 3x60 MVA के निर्माण का कार्य, इस उपकेंद्र के निर्माण से खोराबाग तारामंडल इंजीनियरिंग कॉलेज सूबा बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। परियोजना की कुल लागत ₹101.02 करोड़ होगी। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। ये विवरण इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आया है क्योंकि सबको जानकारी हो के कौन सा अच्छा कार्य से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। सबसे पहले रवि किशन जी आप जुड़े हुए हैं। रवि किशन जी अभी तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ अभी थे तो। रवि किशन जी कहीं शूटिंग के लिए तो नहीं चले गए आप? रवि किशन जी आपसे मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। रवि किशन जी आपको बधाई भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डिस्टर्ब कहां से? महाराज की जय। मुझे महाराज जी 220/ट्रैक
मतलब पहले दो था उसके बाद हमारे साथ एक बगल से तीन साल के तो कब हो जाएगा पूरा बम बम हो जाएगा और इतना जैसे दुबई को हम लोग देखते हैं तो पूरी तरह एक रिटअप हो जाएगा। और महाराज जी आपको जितने मतलब मैं आप जितना अद्भुत अद्भुत आप सरप्राइज दे रहे हैं गोरखपुर के लिए अचानक आते हैं और ना हो ना मिला अलग 200 आज दे मिला कितना आज दे जरा 215 करोड़ ये आपकी मूछ के अनुरूप हो रही हैं। देखिए आपने रोल तो भरत का किया था लेकिन मूछ आपने दूसरी रख दी इस दौरान। चलिए बधाई आपको बहुत बहुत बधाई। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक विपिन सिंह जी विधायक विपिन सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए हैं जुड़े हैं डिस्टर्ब क्यों डबल माल चला दिया धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक शीतल पांडे जी जुड़े हुए हैं रानीबाग से। नहीं शीतल पांडे जी परहुआ से होंगे रानीबाग में है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शीतल बाबा। माननीय विधायक संत प्रसाद जी जुड़े हैं बिछिया से अपना अनम्यूट कर लीजिएगा अनम्यूट करके बोलिए। हाँ नमस्कार हाँ संत प्रसाद जी बताइए। हाँ नमस्ते हाँ बोले बोलिए विधायक जी आपकी आवाज आ रही है जी महाराज जी
महाराज जी, गोरखपुर की जनता के तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां, माननीय विद्युत मंत्री जी को भी बहुत सारी बधाइयां, जो 215.7 करोड़ रुपए का बिजली विभाग के लिए आपने जो दिया है, इसे गोरखपुर जनता को पूर्ण बिजली मिलेगी और जब जब कार जो आए दिन दुर्घटना होती थी ये समाप्त हो जाएगा। खाटने विधानसभा को भी आपने उनका केंद्र दिया है, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयां, विद्युत मंत्री को भी बहुत सारी बधाइयां। आपके कृपा से महाराज जी गोरखपुर में खाटने विधानसभा में लिंक एक्सप्रेसवे, पोनो नदी के पंखटा मार्ग, योजनाएं जो अन्य सरकारों में मांगने से भी नहीं मिलता था वो आपने स्वतः दे दे रहे हैं, इसके भी आपको बहुत सारी बधाइयां और अपने बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों को बहुत सारी बधाइयां जो तन मन लगा करके इस बिजली के काम को और तेजी से सफल बनाए। आज शुक्र का पूरा विधानसभा और गोरखपुर की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां और विद्युत मंत्री को बहुत सारी बधाइयां। जय हिंद, जय श्री राम। मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा अपने आशीर्वचन से, गोरखपुर महानगर और जनपद से जुड़ी भी ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीमान रमाशंकर पटेल जी, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए वर्चुअल जुड़े हुए मान्य सांसद गोरखपुर श्री रविकृष्ण शुक्ला जी, राज्यसभा के मान्य सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, मान्य विधायकगण श्री बिपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री संत प्रसाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पीके मल जी, दुष्ट सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, राम भोवाल कुशवाहा जी, रणंजय सिंह जुगनू जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, आशीष गुप्ता जी और अलग अलग स्थानों पर उपस्थित गोरखपुर के सभी प्रबुद्धजन, शासन में यहां पर मेरे साथ बैठे हुए और फील्ड में तैनात यहां पर सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारीगण, दीपावली के पहले ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रदेशवासियों के लिए भी और गोरखपुर वासियों के लिए भी जो एक लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों के माध्यम से यह अनुपम भेंट दी जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी गोरखपुर के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और ऊर्जा विभाग को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिस गति के साथ ऊर्जा विभाग ने विगत 3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर ऊर्जा विभाग के कायाकल्प को करने की दिशा से ये कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, वास्तव में इसने आमूलचूल परिवर्तन करके प्रदेश की तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान ऊर्जा विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्य हुए हैं, लगभग 2.25 लाख गांव और मजदूरों तक विद्युतीकरण की कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के साथ ही प्रदेश के अंदर 1.24 करोड़ से अधिक उन गरीबों तक जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में बिजली का भी बल्ब जलेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से आज उनके घरों में बिजली जल रही है। गोरखपुर में मेरे साथ आप सभी लोगों ने बहुत बार जब विरोधी दलों की सरकारें प्रदेश में हुआ करती थी तो आप लोग अक्सर विद्युत की अनियमित कटौती और भेदभाव के खिलाफ सड़कों पर उतर करके आंदोलन करते थे।
आज आप देख रहे होंगे विद्युत की निर्बाध आपूर्ति आप सबको प्राप्त हो रही है। ये दृष्टि का अंतर है, शासन का दृष्टिकोण विकासपरक और रचनात्मक है तो कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन दृष्टिकोण अगर नकारात्मक है तो जो होने वाला होगा वह भी नहीं होगा, और उस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण विकास पिछड़ा था, लोगों को विद्युत नहीं मिल पाती थी, सड़क नहीं मिल पाती थी और तमाम प्रकार की दुर्व्यवस्थाओं का शिकार न केवल व्यवस्था को बल्कि अंततः उसका शिकार कॉमन मैन को होना पड़ता था। आज इसमें व्यापक सुधार हुआ है और सुधार का ही परिणाम है कि सभी लोगों तक विद्युत निःशुल्क कनेक्शन देने का या विद्युतीकरण के कार्य को करने का हो, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का हो, नए सब स्टेशन की स्थापना का हो या विद्युत की निर्बाध आपूर्ति करने का हो, इन सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार के कार्य हुए हैं उसी को अब अगले चरण में करने की दिशा से विद्युत विभाग ने जो कार्य प्रारंभ किए हैं, आपने देखा होगा कि जहां पे तार झूलते थे वहां पर विद्युत विभाग के द्वारा बहुत सारे स्थलों पर अब आईपीडीएस के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग डाल करके दुर्घटनाओं से बचाव की व्यवस्था की गई है, और साथ साथ आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपका कस्बा, आपका गांव ये अच्छा दिखे, यह भी एक अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। ऐसे जर्जर तार और पोल के कारण दुर्घटनाएं होती थी, आज वे जर्जर तार और पोल को बदलने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर अलग अलग स्थानों पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे महानगरीय क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं एक नई आबादी बस जाती है, पुरानी विद्युत की व्यवस्था उसकी क्षमता कम होने के कारण वहां पर नए सब स्टेशन की मांग होती है, विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के बारे में लगातार मांग होती है। जब कार्य समय पे नहीं होते हैं तो वहां पे जो आबादी रहती है उनको वहां पर लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ये नए सब स्टेशन निर्माण की कार्रवाई जिस तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है, ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि सरकार का ध्यान उन सभी के प्रति है जो लोग शहरी जीवन पद्धति के से प्रभावित होकर के शहरी क्षेत्रों में आए हैं, लेकिन उनकी आय इतनी नहीं होती है कि वे बड़े बड़े बंगला सिटी के अंदर खरीद सकें, इसलिए शहर से सटे हुए क्षेत्रों में वे लोग अपना निवास बनाते हैं, वहां पर शहरी जीवन का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से वहां पर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। और आज इसी श्रृंखला में अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान भी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रदेश को भेंट दिया था, उनका लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम उस दौरान भी हुए थे, यानी लॉकडाउन के दौरान भी हमारा कार्य बंद नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के कारण त्रस्त थी तब उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी आबादी के राज्य में विद्युत आपूर्ति अनवरत बनाए रखने की कार्रवाई भी विद्युत विभाग ने प्रदेश के अंदर किया था। ये सभी ऐसे कार्य हैं जो पहले असंभव थे आज संभव दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए आप सभी के संज्ञान में बातें आनी चाहिए कि किस तेजी के साथ परिवर्तन दिख रहा है, और उसी परिवर्तन की श्रृंखला में आज गोरखपुर महानगर और जनपद के अंदर ऊर्जा विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य वहां पर संपादित किए जा रहे हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 94.95 करोड़ रुपए की लागत से 7 ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास है, 12 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर शामिल है, और 108 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 4 नई परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जा रहा है। ये परियोजनाएं बहुत शीघ्र वहां पर प्रारंभ होंगी, जिसमें शिलान्यास के लिए दिव्यनगर गोरखपुर महानगर में लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए वहां पर एक
2x5 एमबीए क्षमता के 33/11 के भी उपकेंद्र का वहां पर निर्माण कार्य होना है। 6,48,00,000 रुपए यह जनवरी 21 तक यह कार्य संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से बिछिया में भी 33/11 उपकेंद्र का एक कार्य यहां पर प्रस्तावित है, जिसमें शिलान्यास आज हो रहा है, जिसमें 9,44,00,000 रुपए की लागत से कार्य होगा। यह भी जनवरी तक यह कार्य भी संपन्न पूरा हो जाएगा। गोरखपुर महानगर के अंदर जो मैंने कहा बहुत मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर बांस बल्ली से बिजली खींची जाती थी। मुझे याद है जब मैं लॉकडाउन के बाद गोरखपुर गया था तो हमारे सभी जो वहां के सांसद हैं, महापौर हैं, माननीय विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, इनके साथ जब मेरी बैठक हो रही थी तो इन लोगों ने इस बात की मांग की थी, वहां पे एक आध जगह दुर्घटना भी घटित हुई थी, कि बांस और बल्ली से आज भी लोग जो है केबल में बिजली लेके जा रहे हैं। विद्युत विभाग ने इस समस्या का समाधान किया है, इसके लिए 10,94,00,000 रुपये इसके लिए गोरखपुर के लिए मंजूर किए हैं और एक कार्य प्रयास किया गया है कि दिसंबर 20 तक यानी इसी वर्ष 20 तक दिसंबर तक इस कार्य को संपन्न करने का कार्य होगा। इसी प्रकार से 132 केवी उपकेंद्र का निर्माण भी जिसमें 56,21,00,000 रुपए की लागत से इस कार्य को भी वहां पर 31 जनवरी 2022 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 132 केवी का एक सब स्टेशन मोदीपुर में इसकी क्षमता को बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है। इस क्षमता विस्तार में 2,65,00,000 रुपए खर्च होने हैं और 31 जनवरी तक यह कार्य भी संपन्न होगा। 132 केवीए का एक सब स्टेशन बरोहा में इसकी क्षमता विस्तार की भी कार्रवाई हो रही है। 7,48,00,000 रुपए की लागत से इस कार्य को भी वहां के लिए स्वीकृत किया गया है, जो 31 जनवरी 2021 तक इस कार्य को भी संपन्न किया जाएगा। मोतीराम अड्डा में भी क्षमता विस्तार की एक कार्रवाई, वहां पर सब स्टेशन की क्षमता विस्तार की कार्रवाई 1,75,00,000 रुपए की लागत से जनवरी 21 तक यह कार्य भी वहां पर पूरा होगा। ये सभी कार्य वहां पर जो शिलान्यास के संपन्न हुए हैं और लोकार्पण की दिशा से आज 33/11 के भी एक सब स्टेशन जो पादरी बाजार का है, यह 26,00,000 रुपए की लागत से इस कार्य का इसके माध्यम से पादरी बाजार, पिपराइस रोड, सरस्वतीपुरम, हरसेवकपुरम, हनुमंतपुरम आदि जो क्षेत्र के हैं यहाँ के लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। 33/11 के भी रानीबाग उपकेंद्र की क्षमता को बढ़ा करके इसमें 27,00,000 रुपए की लागत से इस परियोजना को वहाँ पे पूरा किया गया, जिसमें रानीबाग, कजाकपुर, बड़गो, सेमरा यहाँ के लोगों को इसका लाभ इसके माध्यम से प्राप्त होगा। खोबरावार में ही 33/11 के बी ए का 5 MVA के ट्रांसफार्मर के स्थापना का कार्य 77,68,000 रुपए की लागत से इस कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें रामगढ़, खोरावार, सुबा बाजार, सिक्टौर यहाँ के निवासियों की बड़ी आबादी को, गोरखपुर ग्रामीण की बड़ी आबादी को इसका लाभ वहाँ पे प्राप्त होगा। इसके साथ ही 11 गोरखपुर में 250 के बी ए और 400 केवीए के नए ट्रांसफार्मर के स्थापना का कार्य लगभग 3,90,00,000 रुपए की लागत से गोरखपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो पुराने और जर्जर तारों को हटाकर ये भी केबल डालने का कार्य 3,10,00,000 रुपए की लागत से, गोरखपुर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में पुराने और जर्जर तारों को हटाकर ये भी केबल डालने का कार्य 4,00,00,000 रुपए की लागत से, ये विभिन्न कार्य आज वहां पर जो इन कार्यों को वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्य गोरखपुर के अंदर हैं, जिसमें 60 किलोमीटर का LT ये भी केबल डालने का कार्य 4,80,00,000 रुपए की लागत से इस कार्य को वहां पर प्रस्तावित किया जा रहा है। जर्जर जो क्षतिग्रस्त हैं 100 किलोमीटर के लगभग ये डाक तार लगाए जाने के कार्य हैं, 1,20,00,000 रुपए की लागत से इस परियोजना को वहां के लिए प्रस्तावित किया गया है। 1,000 क्षतिग्रस्त जो स्टील पोल हैं, पहले से ही क्षतिग्रस्त पोल हैं, इनके स्थान पर नए पोल लगाने के कार्य को 1,50,00,000 रुपए की लागत से इस कार्य को वहां के लिए प्रस्तावित किया गया है। और एक नया सब स्टेशन जो 220/33 ABA GIS विद्युत उपकेंद्र खोराबार
इसके लागत 101 करोड़ रुपए से अधिक है। ये कार्य गोरखपुर की जनता के लिए प्रस्तावित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी गोरखपुर के जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, वहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और संगठनों के कार्यकर्तागण भी उपस्थित हैं, जनता जनार्दन भी उपस्थित है, इन सबको दीपावली के अवसर पर इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आपने देखा होगा कैसे विकास के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है। सरकारें पहले भी थीं और सरकार पिछले 3.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर यह सरकार भी कार्य कर रही है। केंद्र में पहले भी सरकार थी, पिछले 6 वर्ष के अंदर हुए कार्यों को भी आपने देखा होगा किस तरीके से व्यापक तस्वीर बदली जा सकती है और व्यवस्था के माध्यम से जनता का विश्वास कैसे अर्जित किया जा सकता है, इसके उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूँगा कि जो विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं, ये सभी कार्य पहले भी किए जा सकते थे, लेकिन विकास की सोच की कमी थी और विकास की उसी सोच की कमी का परिणाम था कि उस समय सरकारों का ध्यान प्रदेश के अंदर जातीय वैमनस्यता पैदा करने, दंगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके उनके नौकरी और रोजगार पर सेंध लगाने, हर एक विभाग में संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर रहता था। लेकिन प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा कि लगभग 3.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी देने का कार्य किया गया, प्रदेश के अंदर नौकरियों की एक नई श्रृंखला खड़ी हुई है, निवेश नए सिरे से प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में निवेश देखने को मिल रहा है। निवेश का मतलब केवल एक उद्योगपति आकर के पूंजी नहीं लगा देता, बल्कि उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाएं और विकास की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ती हैं, हमारे यूथ को उसके अनुरूप वहां पर कार्य भी मिल पाता है और साथ साथ डेवलपमेंट की ढेर सारी संभावनाएं उसके माध्यम से आगे बढ़ती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, या जो हमने प्रस्तावित किया है गंगा एक्सप्रेस वे, या एयरपोर्ट के विकास के बारे में आप सोचिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज हमारे 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, हम 14 पे नए कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे स्थलों पर, यानी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश के विकास को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। आज सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है, हमने हर इंटर स्टेट यानी उत्तर प्रदेश राज्य जिस भी राज्य जिस भी देश के साथ हमारी सीमाएं जुड़ेंगी वहां हमारी कनेक्टिविटी 4 लेन की होगी, हमारे जनपद मुख्यालय में 4 लेन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तहसील मुख्यालयों को हम 4 लेन से, ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन की सड़कों से जोड़ेंगे, गांव गांव में सड़कों का जाल बिछेगा। ये कार्य पूरे स्तर पर चल रहे हैं। कोविड-19 के बावजूद सरकार ने हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। हम लोग कोरोना से भी लड़ रहे हैं, लेकिन एक आम जन को परेशानी न हो, विकास की प्रक्रिया कहीं थमने न पाए, इस पर भी हमारा पूरा जोर है और उसी जोर को हम इसलिए संभव कर पा रहे हैं कि शासन स्तर पर मंत्रीगण अधिकारीगण इस कार्य को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं, वहीं साथ ही साथ फील्ड स्तर पर जनप्रतिनिधि और फील्ड में तैनात हमारे अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का कार्य भी करते हैं। मैं इस अवसर पर आज गोरखपुर वासियों को एक साथ इतनी परियोजनाओं को सौगात देने के लिए ऊर्जा विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो ये कार्य आज लोकार्पित हुए हैं, इसका लाभ गोरखपुर वासियों को और पूर्वांचल वासियों को शीघ्र प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है, इस शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं अतिशीघ्र वहां पर
कार्य करते हुए दिखाई देंगे और इसका लोकार्पण बहुत शीघ्र हम लोग समय से इस कार्यों को पूरा कर सकेंगे, मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा कर पाएंगे। जो कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, मैं वहां पे स्थानीय प्रशासन से कहूंगा कि उनकी जमीन संबंधी कोई भी विवाद होगा इसको तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा लें, जिससे प्रस्तावित परियोजनाओं को भी बहुत शीघ्र वहां पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के लिए उसको संभव बनाया जा सके। ये सभी प्रकार के कार्यों को समयबद्धता के साथ मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हम पूरा कर पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय सांसद गणों को, विधायक गणों को, महापौर जी को, संगठन के पदाधिकारियों को, विभिन्न सामाजिक संगठनों के जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी वहां पे कार्यकर्ता गण आए हैं, गोरखपुर की जनता है, इन सबको कि दीपावली के पहले हम लोग अच्छे ढंग से अपने शहर को, अपने मोहल्ले को सजावट करते हुए, बचाव के साथ सजावट करते हुए अपने पर्व और त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ, उत्साह और उमंग के साथ मना सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।